पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनके सुर्खियों का कारण बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में लाइव टीवी शो में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और एंकर नोमान नियाज के बीच झगड़ा हो गया था। दरअसल पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन ने अख्तर से $100 मिलियन यानी 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का हर्जाना मांगा है। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद शोएब अख्तर ने एक ट्वीट के जरिए दी है। अख्तर इस T20 वर्ल्ड कप में बतौर एक्सपर्ट इस चैनल के साथ जुड़े थे, लेकिन शो के एंकर नोमान नियाज के साथ उनकी बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने यह टीवी शो लाइव टेलीकास्ट के दौरान ही छोड़ दिया था। अब चैनल के तेज गेंदबाज को नोटिस थमाया है। बता दें कि शो में झगड़े के बाद पीटीवी ने शोएब को ऑफ एयर कर दिया था। वहीं पाकिस्तानी गेंदबाज ने अपने बयान में कहा कि क्या ये मजाक है, मैंने 220 मिलियन पाकिस्तानी और विश्व के करोड़ों लोगों के सामने इस्तीफा दिया था, क्या पीटीवी पागल है, वह मुझे ऑफ एयर करने वाले कौन होते हैं। शोएब अख्तर ने यह जानकारी खुद ट्वीट के जरिए दी है। वह आगे कहते हैं कि मैं एकदम निराश हूं। जब मैं पीटीवी के लिए काम कर रहा था तब मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहने के बाद उन्होंने मुझे रिकवरी नोटिस भेजा है। मैं एक फाइटर हूं और हार नहीं मानूंगा और इस कानूनी लड़ाई का सामना करूंगा। मेरे वकील अबूजार सलमान खान नियाजी कानून के मुताबिक इसे आगे बढ़ाएंगे। क्या शोएब अख्तर की मुश्किलें बढ़ेंगी? फिलहाल यह सवाल सभी के मन में है, लेकिन जल्द ही हम आप सभी के लिए इस पर अपडेट लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए बने रहे द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।